आए अब हमने जेब ले लिए कैमरा ले अरे कोनो दिक्कत नहीं यार कलाकार है दिखा नहीं रहा जी के बिल्लू नहीं दिखाए बरहा है कि नहीं तो देख सकते हैं फाइनली जो है सो कोबरा का स्किन यहां पर देखा गया है ये उपली या गोईठा का पूरा कुनबा रखा हुआ है यहाँ पर अंदर में जो है सो शायद होल तोल बना हुआ है तो ये शायद एक महीना पुराना केचुली है गेहमन का ये गेहमन का ही है कोबरा का तो हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं अब इसको पहले खाली करेंगे उसके बाद होल में से सर्च करके निकालेंगे जो तो वीडियो में बने रहिए अभी नहीं निकल रहे हो भाई सिक्के का खोल का जो है तो पूरा उपली साफ कर लिया गया है लेकिन यहाँ पर ये लोग बता रहे थे जो कोबरा दिखा है भाग में रहे हमने भक्त ये कोबरा नहीं लग रहा है देख सकते हैं अभी ये बहुत बड़ा रैट स्नेक है और ये लोग काफी भयभीत हो गए थे बता रहे थे कि हिंदी में धामन और लोकल लैंग्वेज में भी बिहार तक जो है धामन सा बताते चले जो ये विषहीन सांप है जिसमें थोड़ा सा भी जहर नहीं होता है और इसका साइंटिफिक नेम पटियास मुकोसा होता है और देखिए छूटने के लिए पंखा की तरह नाच रहा है देख सकते हैं तो ये काफी शर्मीला सांप होता है इसके काटने से कुछ भी नहीं होता है ऐसे सांपों से दूरी बना के रखिए और इस सांप को मारिए नहीं क्योंकि चूहा की तादाद को कम करने के लिए धामन जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट सांप है इसीलिए इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है नजदीक से देख सकते हैं आप यो सुन भैया देख सकते हैं काफी शर्मीला सांप है और सांप निकालने से कुछ नहीं होगा धामन का मुख्य पहचान बता देते हैं इसके टेल पर देखिएगा इसका टेल देखिएगा गौर से जो जालीदार पूंछ रहता है धामन का यही मुख्य पहचान है लेकिन कोबरा के पास ऐसा नहीं रहता है कोबरा बॉडी जो है सो बहुत लंबा रहता है और गर्दन के पास देखिएगा थोड़ा पतला रहता है इसका गर्दन तो रेड स्नेक का यही मुख्य पहचान है गर्दन के पास देखिएगा थोड़ा पतला है और पूरा शरीर इसका मोटा रहता है धामन का यही मुख्य पहचान अंग्रेजी में इसे इंडियन रेड स्नेक और हिंदी में धामन कहीं कहीं पर इसे घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है और यह सांप भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है जब भी इसको खतरा महसूस होता है या बहुत तेजी से भागता है और इसके प्रति अंधविश्वास ये है कि यह सांप अगर पूछ से मार देता है तो आदमी सूख जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और इस सांप में बिल्कुल भी जहर नहीं होता ये विषहीन सांप है तो इन सांपों सबसे डरिए नहीं इसको बचाने का प्रयास कीजिए क्योंकि यह चूहे की आबादी को कंट्रोल करता है जिससे हम आपका फसल हमारे आपका फसल जो है सुरक्षित रहता है तो यह किसानों का मित्र कहा जाता है और इसे छूना भी कोई बड़ी बात नहीं है देख सकते आराम से देख सकते हैं आराम बिना प्रशिक्षण के सांप को पकड़ना मतलब सांप को पकड़ना है किसी भी एनिमल को पकड़ना जानलेवा हो सकता है इसीलिए इसकी कॉपी ना करें आप लोग हम लगभग 7-8 साल से इस लाइन में हैं और सांपों के प्रति स्टडी की है उसके बारे में बहुत कुछ जाने हैं तब जाके ये सांप पकड़ने का काम करते हैं तो ये नहीं कि अब शर्मीला है आपको अब छुआ दिए एक बार तो आप बार बार जाके पकड़िए सांप को अब इन सांपों सबसे दूर रहिएगा जहरीला हो या बिना जहर वाला जब भी स्नेक बाइट हो तो आप समय रहते सरकारी अस्पताल जाइए वहीं जाने से आप बच सकते हैं कभी भी झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी कोई भी सांप काटे आप झाड़ फूंक तंत्र मंत्र ओझा गुनी के चक्कर में मत रहिए नहीं तो मौत निश्चित है ये एक विषहीन सांप है लेकिन यहीं पर अगर कोबरा रहता है तो कोबरा जैसा सांप जैसे बाइट करता है तो आधा से एक घंटा के अंदर क्या है जो अस्पताल जाना रहता है वहां जाने से आप बच सकते हैं कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं रहिए नहीं तो मौत निश्चित हो तो चलिए अब हम लोग इसे पैक कर देते हैं बढ़िया से और इसको हम पैक कर देते हैं बढ़िया से और पुनर्वास के लिए फिर जंगल में छोड़ देंगे अब
तो देखा आप लोगों ने, इसे हम लोग बढ़िया से रेस्क्यू कर लिए इस धामा सांप को, और पुनर्वास के लिए फिर जंगल में छोड़ देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वाइल्ड मिथिला यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब वाइल्ड मिथिला।